दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लड़की पटाने के तीन मंत्र क्या है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में तीन ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप किसी भी लड़की को बहुत आसानी से पटा लोगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप प्यार के इस खेल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ लड़की पटाने के तीन ए फैक्टर्स क्या है। सबसे पहला है अप्रोच। अगर आप प्यार के इस खेल में नए हो तो सबसे पहले अप्रोच करना सीखो। अप्रोच का मतलब होता है देखना। देखो अप्रोच में हमें लड़की को देखनी है, अभी लड़की पसंद नहीं करनी है। लड़की को देखो, लड़की के बारे में जानकारी लो, दिमाग में लड़कियों की लिस्ट बनाओ और उनमें सबसे जल्दी जिस लड़की को पटा पाओगे पहले उस पर ध्यान दो। देखो ज्यादा लड़कों के साथ क्या होता है, वो पहले लड़कियों को पसंद करते हैं और उसके बाद लड़की के आगे पीछे घूमते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है लड़की घर से बाहर निकलती ही नहीं या बहुत बार उसे बात करने का मौका भी नहीं मिलता। गौर करो तो ज्यादातर ऐसे मामलों में टाइम वेस्ट होता है। लड़का लड़की के पीछे दीवाना हो जाता है, लड़की के घर के चक्कर लगाते हैं, कुछ ही दिनों में हालत मजनू जैसी हो जाती है। तुम खुद ही गलत रास्ता चुन लेते हो जबकि हम आसानी से लड़की पटा सकते हैं। आकर्षण का पहला नियम ये है, किसी को आकर्षित करना है तो उसे प्यार मत करो। देखो मैं यहाँ प्यार करना ही सिखा रहा हूँ लेकिन इस खेल में तुम्हें दिल से नहीं दिमाग से प्यार करना होगा। तुम्हें सबसे पहले वो लड़की पटानी चाहिए जिसे तुम पसंद नहीं करते। एक बार तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आ गई तो उसके बाद लड़कियों की लाइन लग जाएगी। तुम्हें सिर्फ शुरुआत करना है। अप्रोच, तुम्हें अप्रोच करना होगा। तुम्हें ऐसी गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए जो गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, बजाय उसके पीछे टाइम वेस्ट करने के जो तुम्हारी तरफ देखती ही नहीं। देखो बहुत सारी लड़कियां बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती या बहुत बार फैमिली प्रेशर की वजह से बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। मेरी ट्यूशन में एक लड़की थी जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके घर से बहुत ज्यादा प्रेशर था। उसे घर वालों ने उसको एक डायरी दे रखी थी जिसमें उसे रोज टीचर का साइन लेकर जाना होता था कि ट्यूशन क्लास अटेंड की। 5 मिनट लेट होता तो उसके घर से कॉल आ जाता, उसका भाई उसे कॉलेज छोड़ने और घर ले जाने आता था। उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता था, कॉलेज में वो बात नहीं कर सकती थी, ट्यूशन क्लास में बात होती नहीं थी। तुम्हें ऐसी लड़की से दूर रहना है। देखो तुम्हें वो लड़की पटानी चाहिए जो तुम्हें सुख दे, ना कि उसके पीछे टाइम वेस्ट करना है जो तुम्हें दुख दे। तुम्हें ऐसी लड़की चुनना चाहिए जिस पर ज्यादा प्रेशर ना हो। आसान रास्ता ये है, ऐसी लड़की पटाओ जिसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड हो या जिसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल हो। अप्रोच के बाद आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपको देखना है आपके और लड़की के बीच में समानताएं और असमानताएं क्या है, जैसे उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, वो क्या बनना चाहती है, वो क्या करती है। अगर आप फेस रीडिंग जानते हो तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे वायु प्रकृतियों को खुशी, एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग और नई चीजें पसंद होती है। पृथ्वी को सैडनेस, इमोशन, साइलेंट और मोटिवेशनल चीजें पसंद होती है। अग्नि को फायदा, सक्सेस, लीडरशिप पसंद होता है। जल के लिए बस कॉमेडी। अपीयरेंस में आपको लड़की के सामने उनकी प्रकृति जैसा व्यवहार करना है, उनके सामने उनके जैसा ही नजर आना है। फिर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनसे बात करो, सेम इंटरेस्ट की वजह से आप अच्छा बात कर पाओगे, बातचीत अपने आप होने लगेगा, अपने आप फ्रेंडशिप हो जाएगी। सेम पर्सनैलिटी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वायु की लड़की के सामने वायु जैसा बात करोगे, वायु जैसा बिहेव करोगे तो लड़की आपको खुद पटाएगी। तीसरा ए फैक्टर है एनालिसिस। अभी आपको अप्रोच एंड अपीयरेंस एनालाइज करना है। आपको देखना है आप दोनों में कैसी बातचीत होती है। जैसे लड़की आपको देखकर स्माइल करती है, आपका नाम बार बार लेती है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रही है या आपका मजाक उड़ा रही है, या आपके आसपास लड़की चुप चुप रहती है, तो अब आपको लड़की को प्रपोज करना है। वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी वीडियो के बारे में अपना राय दें। अगर आप प्यार के इस खेल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आएं। We are happy to help you.